नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पूरा देश कोरोना महामारी की चपेट में है। हर दिन कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच दवाओं और ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। वहीं जरूरी दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी की शिकायतें भी लगातार मिल रही हैं। कोरोना मरीजों को लगने वाले इंजेक्शन के लिए लोगों को कई गुना पैसा देना पड़ रहा है। दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र ने दुख जताया है। इसके लिए उन्होंने दिलीप कुमार की फिल्म का एक वीडियो क्लिप शेयर किया है। ये वीडियो दवाओं और अनाज की जमाखोरी और कालाबाजारी पर बनी दिलीप कुमार की साल 1953 में रिलीज हुई फिल्म फुटपाथ का सीन है। धर्मेंद्र ने ट्वीट पर लिखा है, 1952 में जो हो रहा था आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। फुटपाथ में दिलीप साहब। इस वीडियो में दिलीप कुमार थाने में खड़े होकर कह रहे हैं कि जब शहर में बीमारी फैली तो हमने दवाओं को छुपाकर उनके दाम बढ़ा दिए। पुलिस की छापेमारी हुई तो उन दवाओं को नालों में फेंक दिया। जो आदमी की अमानत थी उसे आदमी के काम नहीं आने दिया। मुझे अपने बदन से लाशों की बू, सांसों में बच्चों की सिसकियां सुनाई दे रही हैं। क्या ये सब करके हम सांस लेने लायक हैं, इंसान कहलाने लायक हैं? बता दें कि लॉकडाउन के दौरान धर्मेंद्र इन दिनों अपना काफ़ी समय फार्म हाउस पर गुजार रहे हैं। वहीं अगर उनके वर्क फ्रेंड की बात करें तो धर्मेंद्र पिछली बार अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से में नजर आए थे। अब धर्मेंद्र अपनी अगली होम प्रोडक्शन फिल्म अपने 2 में नजर आएंगे। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ सनी, बॉबी और करण देओल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। अपने 2 की शूटिंग फिलहाल कोरोना वायरस के कारण शुरू नहीं हो सकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।